दोस्त राजीव बंसल, फिर आपसे मुखातिब हूँ। मुखातिब हूँ एक ऐसे प्रयास को लेकर, हांसी को जिला बनाने के लेकर, हांसी जिला बनाओ संघर्ष समिति एक बार फिर आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। 6 साल से लगातार संघर्ष कर रही है समिति को, तो बार बार ये आश्वासन दिया जाता है कि तुम्हारा जिला बनेगा, आधा अधूरा जिला बनाकर उसको छोड़ दिया गया है। हमारे बीच रामनिवास फौजी जी जो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, आज उनका दूसरा दिन है, जो संघर्ष समिति के चेयरमैन भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, अपने संगी साथियों के साथ स्वयं आमरण अनशन पर बैठे हैं, दूसरी मर्तबा बैठे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या मकसद है। और आपको बता दें कि हांसी जिला बनाने की कवायद को लेकर इन्होंने 6 साल पहले मुहिम चलाई थी और उस मुहिम का हिस्सा बने रामनिवास फौजी अपने साथियों के साथ। इन्होंने पूरे हलके में दौरा किया और जिला बनाने की मांग करते आ रहे हैं। बराबर राजनीतिक के लोगों से भी इन्होंने बातचीत की और उनसे आश्वासन लिया। आश्वासन के बाद उन्हें इस बात का मलाल है कि कोई भी राजनेता, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे अन्य पार्टियों का हो, अन्य पार्टी उनको आगे समर्थन देती है लेकिन उनके साथ मिलकर संघर्ष नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जो पावर में है, उनको क्या झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। इस बार वो आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं, दोबारा आमरण अनशन पर बैठे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। ये आमरण अनशन वाकई ही आमरण अनशन में तब्दील हो जाएगा या जिला बनाकर ही वे उठेंगे, तो उनसे जानते हैं। रामनिवास फौजी सी जाए फौजी साहब, नमस्कार आपका। मैं तो आप तो फौज में रहे हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, क्रांतिकारी नमस्कार करता हूँ कि आप हांसी को जिला बनाने की कवायद में लगे हैं, फिर से एक बार दोबारा आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। क्या मकसद है? हम आपको आज के हंसी की आवाज़ को जो है हमारे जिला संघर्ष समिति की आवाज़ आगे बढ़ाने का ये हमारे पास आई, हम अपना हार्दिक स्वागत करते हैं। सर, ये हमारा 6 साल से लाइन चल रही है, 7-8 साल शुरू हो गया है, तो हम लगातार इसमें धरने, प्रदर्शन, अनशन बहुत कुछ किया है और अब आखिरी लड़ाई हम इसलिए लड़ रहे हैं कि अभी जो ये जिला जो बनाने की टाइम आया है, तो विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ चुका है और सारे नेता, सारी पार्टियाँ अपना तो चुनाव प्रचार कर रही हैं लेकिन जिला के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने अब दोबारा पहले लोकसभा के अंदर जब अनशन किया था तो उस टाइम मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई थी बाद में और हम बातचीत करी, तो मुख्यमंत्री ने हमारे को कहा कि आपकी जायज मांग बताया था। हमने उनसे बातचीत करी तो उनसे कहा कि एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर है, तो हमने एरिया के बारे में मैंने खुद उनसे कहा कि मुख्यमंत्री महोदय, एरिया पौड़ी खेड़ा का ले लो, उपलाना की ये ले लो, हमारे सुटेबल है, वो लोग चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा था इस पर विचार करेंगे और विचार करने के लिए बोला था, तो उन्होंने विचार अभी तक किया नहीं है। इसलिए हमने अपनी ये मांग रख के दोबारा से आज हम आमरण अनशन पर बैठे हैं। आज हमारा दूसरा दिन है। आमरण अनशन तो एक आदमी को यानी मृत्यु की तरफ ले जाता है, अगर उसकी मांग पूरी ना हो तो क्या वाकई आपका आमरण अनशन इसी तरह रहेगा या आपकी पिछली बार आपके साथियों ने आपको यह कह दिया कि आपकी ज़रूरत है समाज को उठाई की, वो आज यह कहकर उठा दिया गया, इस बार क्या रहेगा आपका, कितना दृढ़ निश्चय है? इस बार सर हम फौजी हैं और लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ते हैं, हारने के लिए नहीं लड़ते हैं। इस बार जंग जीतेंगे और बिल्कुल दमदारी से बैठे हैं, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। 4 तारीख को मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं, एक राजनीतिक एजेंडा लेकर आ रहे हैं, एक उनका अपना आशीर्वाद यात्रा उनके लेकर आ रहे हैं, तो उसमें क्या रहेगा कि आप अपना मेमोरेंडम या कोई ऐसा ज्ञापन पत्र सौंपेंगे मुख्यमंत्री दोबारा मिलने की, फिर आपकी चाहत जागेगी? बिल्कुल चाहत जागेगी, ये हमारा आमरण अनशन एक विराट रूप धारण करेगा, हमारी संघर्ष समिति को पूरा विश्वास है, ये बहुत बड़ा पिछली बार से भी ज़्यादा विराट रूप धारण करेगा। पूरी हांसी जनता की एक ही आवाज़ होगी, सिर्फ हांसी जिला। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे जैसे भाजपा के नेता हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा अगर वो खुद यहाँ आगे लग जाएँ तो ये जिला बन जाएगा जल्दी। अब हमारे को खुद तकलीफ हो रही है क्योंकि मैं खुद बीजेपी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं जिला मांग रहा हूँ, जिले के अलावा कुछ नहीं चाहिए मेरे को, मैंने पार्टी में बहुत काम किया है, तो मैं उन भाजपा नेताओं से भी कहूँगा कि वो भी हांसी के लिए ये काम करें और आकर के हमारा साथ दें। कोई बीजेपी लीडर आपको समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँचा है या नहीं पहुँचा है? अभी तक कोई पहुँचा नहीं है, पिछली बार आए थे, अबेर से बेर आया करते हो, दिन में नहीं आया करते, अबेर से बेर आए थे और अभी तक कोई मेरे पास आ नहीं आया। आपके साथ धर्म सिंह जी बैठे,
धर्म सिंह जी आप बराबर इनके सहयोगी रहे हैं और आज आमरण अनशन पर आप भी अनशन पर बैठे हैं एक दिन के लिए, तो क्या कहेंगे कि भी ये आमरण अनशन कुछ गुल खिलाएगा या वैसे ही पहले लोकसभा चुनाव के वक्त वैसे खुश हो जाए? हमेशा जो है ये सोच के लड़ाई रखता है कि रिजल्ट जो भी हो, हार नहीं मानता कभी भी आखिरी समय तक, और हार हमारी टीम भी नहीं मानेगी। हमारी टीम जो है आसी को जिला बना कर के ही जो है अपना ध्यान देगी इसके ऊपर। ये थे रामनिवास फौजी जी, बड़े दृढ़ निश्चय के साथ आमरण अनशन पर बैठे हैं। इनका कहना है कि पलवल को जिला बना दिया गया, दादरी को जिला बना दिया गया, फतेहाबाद को जिला बना दिया गया, हांसी जिले के सभी मानकों को पूरा करता है, लेकिन उनके साथ भेदभाव क्यों? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि एरिया का डिस्प्यूट है क्योंकि उकलाना को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। रामनिवास फौजी ने अपने बकौल रामनिवास फौजी जी ने ये कहा कि भवानी खेड़ा को ले लीजिए, और उनका एक मलाल और है कि वो स्वयं बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं और अपने आर्मी प्रकोष्ठ के भी कुछ उन्होंने पद लिया है, लेकिन मलाल है कि कोई भी बीजेपी का नेता या कार्यकर्ता उनको समर्थन देने नहीं आता, उनकी इच्छा शक्ति नहीं है कि हांसी जिला बने। लेकिन उनका ये कहना है कि वे मरते दम तक आखिरी सांसों तक जिला बनाकर रहेंगे, उनका एकमात्र एजेंडा है। जब उनसे जाना गया कि उनका इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी है क्या आपका कोई इसमें? नहीं सर, इसमें मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, मैं सिर्फ हांसी जिला बन जाएगा, आराम से घर में ठाट से रहूँगा। पहले फौजी जी चाहते थे कि वो मैं यहाँ से विधायक बनूँ या यहाँ से मुझे टिकट मिले, लेकिन फौजी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, प्रिंट क्लियर कर दिया है कि उनका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, वो हांसी को जिला बनना देखना चाहते हैं जीते जी, और आखिरी सांस तक इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि हांसी के साथ भेदभाव अक्सर होता रहा है। हांसी के साथ हमेशा यानी कि ध्योरी नीति अपनाई गई है, मुख्यमंत्री आश्वासन दे के चले जाते हैं लेकिन एरिया का डिस्प्यूट कहकर अपनी बात को टाल देते हैं। लगभग 4 तारीख को मुख्यमंत्री जी से ये मिलेंगे और उनको ज्ञापन सौंपेंगे। मैं राजीव बंसल फिर आपसे मुखातिब होगा एक नई समस्या के साथ, इसी तरह के कार्यक्रम हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन एक वादा आपसे लेते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हांसी की आवाज़ हर तरह के कार्यक्रम आपके समक्ष लेके आता है, चाहे समस्याएं हो। पिछले दिनों हमने LED लाइट की समस्याएं दिखाई, आज हमने रामनिवास फौजी को कवर किया है कि हांसी जिला बनेगा तो इसका विकास होगा, शासन होगी। इसी तरह हम आपसे जुड़े रहेंगे। अगले कार्यक्रम के लिए करिए इंतजार। राजीव बंसल का प्यार नमस्कार, धन्यवाद।